Hello, Namaste, Adab. I am Taslima, and today we are going to discuss some important tips and tricks on how can we improve our handwriting. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी हैंडराइटिंग कैसे ब्यूटीफुल और इम्प्रेसिव बनाएं, ठीक है? तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको पता ही है कि एग्जामिनर जब आपका पेपर ओपन करते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है हैंडराइटिंग। जी हाँ, वो आपकी हैंडराइटिंग देखकर ही समझ जाते हैं कि ये कितना सही लिखा होगा और कितना गलत, है ना? तो ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और उसके बाद उनको रीडिंग करने के लिए आसान होता है। इट बिकम्स रीडेबल, इट बिकम्स अंडरस्टैंडेबल। तो एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी हो जाता है अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, तो वो थोड़ा खुश मिजाज होकर आपका पेपर करेक्शन कर सकते हैं, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है हैंड राइटिंग का अच्छा होना। तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो कम ऑन, लेट्स सी कि हम अपनी हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करें। माय फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आपने काफ़ी दिनों से लिखा नहीं है, आपकी हैबिट छूट गई है फास्ट लिखने की, तो आप एवरी डे अपना हैंड एक्सरसाइज करिए। ज़्यादा नहीं, 3 to 4 minutes आपको एक्सरसाइज करना है। आपको अपने हैंड्स की ऐसे स्ट्रेचिंग करनी है, इसको रोटेट करना है, फॉरवर्ड रोटेटिंग, बैकवर्ड रोटेटिंग, इस तरह से पूरे फिंगर्स को ओपन करना है। ये एक्सरसाइज आप ऐसे 3-4 minutes तक करिए, और इससे आपका क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन, हैंड का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, और जिससे आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट अस सी द सेकेंड पॉइंट। कोशिश करें कि हमेशा रूल शीट यानी लाइंस वाली शीट में ही लिखें। अगर आप प्लेन शीट में लिखना चाहते हैं तो आप शीट के नीचे एक लाइन वाली शीट रख दीजिए, जिससे आपको आर पार दिखेगा और आप अच्छे से लाइंस में लिख पाएंगे। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिसिंग पैटर्न्स एंड लाइंस। आप इन लाइंस के प्रैक्टिस करिए, जैसे स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, स्लांटिंग लाइंस। दिस इज राइट स्लांट, हल्का सा राइट स्लांट है इसमें। नेक्स्ट, अगेन स्लांटिंग लाइन, हियर इट इज लेफ्ट स्लांट। नेक्स्ट, कर्व, आपको यहाँ पे सी कर्व बनाने की प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप कर्सिव हैंड राइटिंग में अपनी राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये दूसरे डिफरेंट कर्व्स हैं वो प्रैक्टिस करने होंगे। जैसे ये सी कर्व, बट इसमें आपको जॉइंटली लिखना है बिना हैंड्स को लिफ्ट किए। दिस इज द कर्व ऑफ सी। ये कर्सिव हैंड राइटिंग के स्ट्रोक्स हैं। नेक्स्ट है एल स्ट्रोक। देखिए, इस तरह से बिना हैंड लिफ्ट किए आपको कंटिन्यूस लिखते रहना है। दिस इज द एल कर्व। नेक्स्ट इज एन। सी, एक एक एन लिखकर आपको एक बिग स्लांट देना है और फिर सेकेंड एन लिखना है। इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे आप एन कर्व। नेक्स्ट एम कर्व, एम लिख के अगेन स्लांट देना है, अगेन एम स्लांट, एम स्लांट। नेक्स्ट इज यू। स्टार्टिंग में आपसे इतना परफेक्ट नहीं बनेगा, बट जैसे भी बनता है आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है। दिस इज एम। इन सारे स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी इस तरह से 4 lines की कॉपी में कर्व की प्रैक्टिस करें। देखिए, हमने यहाँ पे 4 lines की कॉपी में प्रैक्टिस किया है, सी L, M, O, ये सारे कर्व्स की हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की है। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करेंगे 4 lines की कॉपी में। अब जब हम 4 lines की कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें बहुत ध्यान देना है कि कौन से लेटर को किस लाइन तक टच करना है। यहाँ पर देखिए,
फर्स्ट लाइन में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, कहीं पे लाइन टच हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, कहीं लाइन से बाहर निकल जा रहे हैं लेटर्स। बट सेकेंड लाइन बहुत ही परफेक्टली लिखी हुई है, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है कि आप पूरा प्रॉपरली लाइन में टच करके लिखें। लिखते समय स्पेसिंग का भी बहुत ध्यान दें। फर्स्ट लाइन में स्पेसिंग बिल्कुल गड़बड़ है, बट सेकेंड लाइन में मैंने परफेक्ट स्पेसिंग से लिखा है। स्पेसिंग से राइटिंग अच्छी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप एक राइट हैंडेड पर्सन हैं तो कॉपी को 30-45 degrees में पोजीशन करना है, इस तरह से राइट साइड में आपको उसको टिल्ट करना है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हैं तो इस तरह से कॉपी को लेफ्ट साइड पोजीशन करिए ताकि आपकी हैंड राइटिंग का स्ट्रोक प्रॉपर आए। आपको 30-45 degrees में इसे पोजीशन करना है। ऑलवेज यूज़ गुड क्वालिटी पेंस। अगर आप अच्छी क्वालिटी के पेंस यूज़ करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग स्मूथ बनेगी, और अगर पुअर क्वालिटी के पेंस यूज़ करेंगे तो हैंड राइटिंग अच्छी बिल्कुल नहीं बनने वाली। फॉर गुड हैंड राइटिंग रिलैक्स ग्रिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ध्यान रहें, जब भी आप लिखें तो पेन की ग्रिप हमेशा अच्छी और रिलैक्स्ड होनी चाहिए ताकि आपकी हैंड्स पेन ना हो और आप ज़्यादा समय तक ब्यूटिफुली लिख पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका पॉस्चर बहुत ही करेक्ट होना चाहिए। आपको एकदम स्ट्रेट बैठकर कंफर्टेबली चेयर में बैठकर और सामने टेबल रखकर ही लिखना है। Sorry, it's DJ.